सोलन के रोजगार कार्यालय में चोरी हुई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सुबह जब चौकीदार कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि मेन गेट और कार्यालय के दरवाजे के ताले टूटे पड़े हैं और कुछ सामान भी गायब है। चौकीदार ने इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों और पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार्यालय का सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन चोरों को कार्यालय में कुछ महंगा सामान तो हाथ नहीं लगा, परंतु जाते जाते वह इंडक्शन चूल्हे और नलकों को ही चोरी कर ले गए। गनीमत यह रही कि विभाग के कंप्यूटर पर उनकी नजर नहीं पड़ी। अगर वह चोरी हो जाती तो करीबन 16,000 बेरोजगारों का डाटा जरूर चोरी हो सकता था। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SHO नवीन झाल्टा ने बताया कि सूचना मिलते ही वह कार्यालय पहुंची, जहां पाया कि चोर ने कार्यालय के ताले तोड़े और कार्यालय से वह 9 नलके चोरी करने में कामयाब रहा। फिलहाल अनजान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह की वारदात ना हो इसके लिए पुलिस की गश्त की जा रही है और भविष्य में चोर चोरी को अंजाम ना दे सके, इसके लिए जल्द ही गश्त भी बढ़ाई जाएगी। रोजाना नाइट को गश्त की जाती है, गश्त में आदमी बढ़ाए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे श्रम एवं रोजगार ऑफिस से सूचना मिली कि ऑफिस के ताले टूटे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर आई है। मौके का निरीक्षण किया तो पाया कि 9 नलके पानी के चोर ले गया है, तथा चोरी किसने की है इस बारे छानबीन की जा रही है। जिला रोजगार अधिकारी निर्मल शर्मा ने बताया कि सुबह जैसे ही कार्यालय को खोला गया तो पता चला कि कार्यालय के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। अब पुलिस मौके पर जांच कर रही है। हाँ जी, 9:25 पे यहाँ से पियोन कुलदीप कुमार का मुझे फोन आया कि यहाँ पे ऑफिस का जो मेन गेट है और जो अंदर का गैलरी है इसके ताले टूटे हुए हैं और जो सामान है वो बिखरा हुआ है। तो मैंने उसको यही कहा कि आप सब लोग जो है बाहर ही रहें, कोई अंदर ना जाए। और एकदम से जो था पुलिस स्टेशन फोन किया तो वहां से 2 कांस्टेबल जो हैं इमीडिएट पहुंच गए। 10 बजे तक वो लोग पहुंच गए थे और आते ही उन्होंने जो भी कार्रवाई थी अपनी शुरू कर दी, जो फोटोज वगैरह थी वो ली और जो फर्दर कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, जांच जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि मौके पर शराब की बोतलें भी पड़ी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि चोर ने काफी तसल्ली से कार्यालय का मुआयना किया, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने नलकों पर ही हाथ साफ करना उचित समझा। लेकिन सरकारी कार्यालय में CCTV कैमरे न होना उनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान भी खड़े करता है।